तो स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए क्या है, छोले भटूरे की रेसिपी। छोले भटूरे बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में हम इन्हें बना के आपके साथ दिखाएंगे। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलो चलते हैं छोले भटूरे बनाने। मैदा ले लिया, इसको मैंने छान लिया है। अब इसमें डालूंगी मैं सूजी, तो इसको मैं 100 ग्राम के करीब सूजी ऐड कर देती हूँ। इसमें डालूंगी 2 चम्मच चीनी, मैंने छोटी वाली 2 चम्मच चीनी डाली थी, उसी के हिसाब से मैं 2 चम्मच इसमें नमक डालूंगी। जितनी चीनी उतना ही नमक यूज करना है। थोड़ा सा इसमें मैं 2 चम्मच के करीब इसमें घी डाल देती हूँ मोमन के लिए। अब इसमें डाल दिए मैंने दही 1 कटोरी भर के छोटी वाली। अब इसको दही मैंने रूम टेम्परेचर लिया, अब इसको अच्छे से मिला देती हूँ, अच्छे से हाथ की सहायता से सबको अच्छे से मिला लेना है। अभी इसमें पानी का बिल्कुल यूज ना करें, पहले ऐसे ऐसे हाथ की सहायता से अच्छे से मिलाना है। तो ये सबको मैंने अच्छे से अब मिक्स कर लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार करना है। पानी में रूम टेम्परेचर का ही लूँगी, ज़्यादा ठंडा गर्म पानी नहीं लेना है आपको, रूम टेम्परेचर पानी लेना है। इसको अच्छे से सॉफ्ट सा एक डो बना के तैयार करना है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी डालते हुए सॉफ्ट सा डो लगाना, क्योंकि हमने सूजी डाली है तो इसे थोड़ा और सॉफ्ट लगाना, क्योंकि सूजी पानी को अब्जॉर्ब करती है अपने अंदर, तो थोड़ा हार्ड डो हो जाएगा, फिर तो हम इसे रेस्ट के लिए भी रखेंगे। तो सॉफ्ट सा डो लगा दिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे 1 घंटे के लिए मैं रेस्ट पर छोड़ दूंगी। तो ये सेट तब भी हो जाएगा, सूजी हमारी फूल तब भी जाएगी। इसके ऊपर घी डाल के मैं रख देती हूँ रेस्ट के लिए। अब ढक के इसे रख देती हूँ और अब बना लेती हूँ अपने छोले। बनाएंगे तो उसके लिए मैंने छोले ले लिए हैं, तो ये मैंने ओवरनाइट इन्हें सॉफ्ट करने के लिए रख दिया पानी में भिगो के। तो अब देखो ये अच्छे से फूल गए हैं, तो इनको हम उगाल लेते हैं। तो इनको हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे उबालने के लिए। इधर ले लिया मैंने प्रेशर कुकर, इसमें जो हमने चने रखे हैं इनको इसमें ऐड कर देते हैं। तो चने हमने इस कुकर में डाल दिए हैं, तो इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले में ये 1 इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा है, इसे ऐड कर देते हैं। इसमें 1 चक्रफूल और ये 2 तेज़पत्ता, इनको भी ऐड कर देते हैं। इसमें डालेंगे पानी। अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं, पानी आपको इतना ऐड करना है छोले से थोड़ा सा ऊपर जाए बस, इतना पानी सफिशियंट है। अब इसमें डालेंगे हम नमक, तो इसमें हम 1/2 चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे और इसको रख देंगे हम उगालने के लिए। इसमें कम 5 6 सीटी आने तक हम इसे उगाल लेंगे। अब मैंने इसे गैस पर रख दिया, गैस कर दिया ऑन। अब इसे कम से कम 5 सीटी आने तक इसे उबलने दूंगी, बॉयल होने दूंगी। मैं गैस का फ्लेम हाई रखूंगी, जब 5 सीटी आ जाएंगी तो 1 सीटी के लिए हम इसे 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे 1 सीटी और आने देंगे। ये उबल गए, सीटी नहीं निकली, सीटी को और अपने आप निकलने देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे चूल्हे हमारे उबले हैं कि नहीं। मैंने सीटी निकल गई थी, मैंने खोल के देख लिया है, तो मैं चेक करती हूँ चूल्हों को, चूल्हे हुए हैं कि नहीं। तो आपको अलग से दिख रहा होगा कि चूल्हे हो गए। देखो मैं सो रहा आराम से, चूल्हे हमारे हो गए। छोले को मैंने अलग निकाल दिया एक बर्तन में, तो अब जिसमें हमने खड़े मसाले डाले थे इनको अलग हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं है, इनका फ्लेवर इसमें आ चुका है। छोले हमारे बनके हो गए तैयार। अब लगाते हैं इसमें तड़का, देखो अच्छी तरह मैश हो गए। तो ऑयल हो गया है मेरा गरम, तो मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच जीरा। अब जो हमने प्याज को रखा है प्याज डाल दी, अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज।
मैंने बारीक चॉप करके रखा है। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से हम भून लेंगे प्याज को। जब ऐसा कलर एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से आप छोले बनाओगे बहुत टेस्टी बनके तैयार होंगे। मार्केट जैसा अच्छा टेस्ट आएगा। प्याज का कलर हमारे का चेंज हो गया है तो इसमें डालेंगे मसाले। तो इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे अच्छा कलर आएगा इसमें। नमक, नमक आप टेस्ट के साथ देख के डालें, आपने पहले भी डाला है मैंने इसमें आपको पता है, अपने टेस्ट से डालें। इसमें डालूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन सब मसालों को अच्छे से इसमें मिला दूंगी। तो हमने जो टमाटर हरी मिर्च अदरक की प्योरी बना के रखी है उसे इसमें ऐड कर देते हैं। तो मैं जो प्योरी बना के रखी है उसे इसमें ऐड कर देती हूँ और इसे भी अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ। इसे भी अच्छे से मसालों के साथ भून लेते हैं। बहुत अच्छा कलर आएगा इससे। अब इसमें डालेंगे छोले मसाला। तो इसमें 1 चम्मच में डालूंगी 1 चम्मच छोले मसाला। इसको भी अच्छे मिक्स कर देते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आया। मेरे रेडीमेड छोले मसाला है, हम मिर्च भी डाल सकते घर का बना हुआ। अब इन सबको अच्छे से मसालों को भून लेंगे जब तक ये कढ़ाई को छोड़ने ना लग जाए मसाला, ऑयल डिस्चार्ज न करने लग जाए। बहुत टेस्टी बन के तैयार होंगे ये छोले। इधर मसाला हमारा भून रहा है और इधर मैंने बनाया है चाय पत्ती वाला पानी छोले में डालने के लिए। इधर मैं बना रही हूँ चाय पत्ती वाला पानी, इसे छोले में कलर बहुत अच्छा आएगा, एकदम मार्केट जैसे छोले लगेंगे। मसाले को हम अच्छे से चलाते हुए भून लेना है इसे, ऑयल को एकदम छोड़ने लग जाए कढ़ाई मसाले को, तब तक इसे अच्छे से भून लेना है। देखो मसाला हमारा बनके हो गया तैयार, भून गया अच्छे से। अब इसमें डाल देते हैं छोले जो हमने उबाल के रखे थे। तो मैंने पानी अलग कर दिया था छोले का, छोले का पानी अलग कर दिया था। छोले इसमें डालते हैं, पहले छोले को मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे, पानी उसके बाद ऐड करेंगे। इससे और टेस्ट अच्छा आएगा। मसाले या छोले को भून लेंगे, छोले को थोड़ा मैश भी कर लेंगे इसमें। थोड़े भटूरे वाले छोले मैसी से होते हैं, थोड़ा इनको मैश भी कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। 2-3 मिनट से ऐसे ही छोले को ढक के हम पका लेंगे। ऐसे छोले अच्छी तरह और पक जाएंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं तो हम चेक कर लेते हैं अपने छोलों को। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इनको चला लेते हैं एक बार। देखो इस तरह से। अब इसमें हमने जो छोले का पानी अलग निकाल के रखा था पहले उसको ऐड करेंगे। पहले हमने छोले वाला पानी है उसको ऐड कर देंगे इसमें। इसमें ठंडा पानी ना ऐड करें, गर्म पानी इसमें ऐड करें। और अब हमने जो चाय पत्ती का पानी बना के रखा था उसको भी छान के इसमें ऐड कर दूंगी, उससे थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा। अब इसमें चाय पत्ती वाले पानी को भी ऐड कर दूंगी, तो अब इससे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब इनको मैं ढक के 5 से 6 मिनट के लिए पका लूँगी। मैं छोले चेक कर लेती हूँ, 5-6 मिनट हो गए हैं। तो छोले देखो हमारा कितना अच्छा कलर आया है छोलों पर। इसे चला देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखो कितने मैसी एकदम छोले बने हैं। तो अब गैस को कर देते हैं बंद और इनको चला के अब इसमें ऊपर से इसमें डाल दें धनिया पत्ता, हरी मिर्च। अब इसमें डाल देती हूँ मैं हरी मिर्च जो मैंने लंबी लंबी काटी हैं, आप बारीक भी काट सकते हो। लंबी एकदम देखने में अच्छी लगती हैं। और धनिया पत्ता इसको मिला देते हैं अच्छे से और इसे ढक के रख देते हैं। ठंडा हो गया है तो चेक कर लेते हैं अपनी मैदा को।
देखो मैदा कितनी फूल गई है, एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो इसे एक दिन थोड़ी देर और ऐसे मल के हाथ से मल लेते हैं। मैदा हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, अब इसके हम बना लेते हैं भटूरे। भटूरे बनाने के लिए पहले इसकी बनाएंगे पेड़ा। तो इसकी तोड़ के इस तरह से इसकी गोल हो, इस तरह से हाथ से पेड़े बना। तो इस तरह से हम इसके पेड़े बना के तैयार कर लेते हैं। दो हम इसको मैदा से नहीं बेलेंगे, ऑयल लगा के बेलेंगे। तो इस तरह से हमने इसको ले लिया है, गैस पे हमने ऑयल चढ़ा दिया है। ऑयल गर्म हो रहा है हमारा, और इसमें हम इसको लगा के और इस तरह से इसको बेलेंगे ऑयल से। जैसे आपको शेप लंबी गोल जैसे आपको शेप दे पाओ ऐसे इसको शेप दे देना। गर्म होना चाहिए, ये इसको हमने बेल लिया है। अब इसको डालते हैं ऑयल में, ऑयल एकदम गर्म होना चाहिए। इसको ऐसे इस तरह से प्रेस करते हुए सेकना है। प्रेस करते हुए सेकेंगे इसको। देखो एकदम फूल गया ना हमारा, इसको सेकने देते हैं। और अब इसको पलट देते हैं, इसको दूसरी तरफ से भी इस तरह से सेक लेंगे। और ये देखो एकदम फूले फूले हमारे बने हैं। तो आप इस तरह से भटूरे बना सकते हो, कोई मेहनत नहीं लगी। मार्केट जैसे आप छोले भटूरे घर पर बना के खा सकते हो। इसको मैं निकाल लेती हूँ और इस तरह से दूसरा सेक लेंगे। ऐसे भी इसको भी इस तरह से बेल के बहुत हल्के हाथ से बेलना है। इसमें डाल देते हैं इस तरह से प्रेस करते हुए। तो ये हमारा पूरी है, इसको पलट देते हैं, पलट के सेक लेते हैं इसको भी। तो इस तरह से हम अपने सारे भटूरों को सेक लेंगे। देखो हमारे भटूरे सेक के तैयार हो गए। हमने छोले और ये हमने मिर्च को मिर्च डाल के प्याज को सर्व किया है, और इसके साथ आम का अचार है। इसको देखो आपको तोड़ के दिखाते हैं, भटूरे को कितने सॉफ्ट हैं। देखो बहुत सॉफ्ट बने, गर्म है, देखो बहुत सॉफ्ट बने। तो आप इस तरह से भटूरे बना के खा सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और मेरे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपके लिए सिंपल और टेस्टी रेसिपी लाती रहूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।